मिलवा ही दूंगा अपनी गर्लफ्रेंड से, दो चार गड्ढों में गिरने गिरने से। So hello guys, welcome back to my channel. This is Argo and hopefully Argo and I'm good too. So guys, I'm back again with another exciting video जो होने वाले living in village for 24 hours. तो अगले 24 घंटे के लिए मैं रहने वाला हूँ village में और मेरे लिए मतलब बहुत challenging होगा. और time हो गया मेरे को गांव में रहने में, भी अगले 24 घंटे मेरे लिए बहुत ज़्यादा challenging होगी. तो without wasting much time, let's get into this video और करते हैं video को start और देखते हैं आगे हम क्या क्या करें. तो गाइस अब मुझे जाना है खेत से अपने दोस्त के घर पे. तो अब वहाँ के लिए जाने के लिए मुझे चाहिए कोई लिफ्ट, क्योंकि पैदल पैदल तो मैं जा नहीं सकता, यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है वो. तो चलो अभी कोई लिफ्ट की तलाश करते हैं. और यहाँ पे कीचड़ कीचड़ भी है तो मैं पैदल भी यहाँ से निकल सकता. तो गाइस यहाँ पे पूरा कीचड़ कीचड़ हो रहा है पूरा देख. तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ खेत से घेर में और रास्ते में बहुत सारी कीचड़ थी जैसा कि आपने देखा. और वो मेरी बुग्गी की सवारी बहुत अच्छी थी क्योंकि 4-5 साल बाद मैं ऐसे मतलब बुग्गी उग्गी बैठा तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा. तो गाइस वो सब तो अच्छा था. अब मैं आ चुका हूँ घेर में और ये पूरा जहाँ मतलब इधर से देखिए ये सारा मतलब जो भी है पूरा घेर ही है. और गाइस जैसे मैं गाँव में मतलब वीडियोज वगैरह शूट कर रहा था ना तो मतलब लोग ऐसे देख रहे थे पता नहीं क्या हो रहा हो क्या कर रहे हैं लोग बाग. तो थोड़ा मतलब नर्वस हो गया मैं भी. मैं भैंस क्या क्या करूँ. कल्लो रानी दो दो कल्लो रानी है और 2-3 उधर है 4-5 उधर है. तो ये मतलब बड़ा सारा तो दूर दूर खड़े कर रखे क्योंकि अभी एक बीमारी चल रही है वो मतलब इनके लिए थोड़ी खतरनाक है. तो इसको इन लोगों ने बांध रखी है अभी सारी. तो अभी यहाँ करना इन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जिनसे मैं दूर भागता हूँ, जैसे ऊबर उठाना, भैंस के पास जाना और ये भूस वगैरह का जो काम होता है इनसे मैं थोड़ा दूर भागता हूँ. और गाइज ये एक पटपटिया है बस. ये जो धूम ने ऋतिक रोशन ने बाइक कुदाई थी ना, ये वो बाइक कुदा दी थी और उसके बाद फिर मतलब कहीं जा नहीं पाई है. ये वही बाइक है, किसी को बता मत देना भाई, ऋतिक रोशन आके बाइक ले जाएगा. ये बात राज रहनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए. आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई गाँव वाँव मार रखा, कुछ काम वाम भी कर ले यार. गोबर ऊबर पड़ा इसे ठाके घेर दे एक माई को. तो भाई ये तो जो दूध निकालने वाले हैं अपने आप घेर देंगे. हम मुखा का चैलेंज ले रखा था नहीं तो भाई काम वाम मत करवाओ यार, ऐसे थोड़ा आसान रहना चाहिए ना चैलेंज. आसान क्या चैलेंज रखा तो भाई करना भी पड़ेगा बस गोबर ही ठाक गिरना ना. काम तो और भी बहुत है. तो गाइस मेरे को मेरा पहला टास्क मिल चुका है जो कि था ये गोबर उठा गिरना. असंभव असंभव उठा लिया उठा लिया उठा लिया. टास्क मेरे लिए इम्पॉसिबल है. मैं तो कर कम रहा हूँ फैला ज्यादा रहा हूँ. तो भैया छोड़ दो ये मेरे बस की ना है. काम भी इतना थोड़ी करना होता है यार. ये उठा के रखना है इतना बड़ा ऊपर उठा के रख दे सामान. भाई कपड़े वपड़े सब गंदे हो जाएंगे. चमचम मान रहे आज साफ रहेंगे लगते से ठाक ऊपर. ये तो उठ भी ना रही यार, कुछ मदद करवा दे यार. मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा भारी है भाई. अरे हट है. चल जा उपले ठाकर रख मन जा. अरे ऐसा तो मुझे घर में भी नहीं बोलता भाई. चल बस हट जा एक माई बैठ जा, थक गया होगा तू बहुत. बहुत है तो नहीं यार, बड़ा भारी पट रहा है यार गाँव में ना. तो गाइस मैं तो बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने. और अब जब आप खुलेगी जब मिलूंगा आपसे सीधा. भैया कपड़े मिल दोगे यार. चप्पल 2000 years. अरे यार यू तो सोनी लग रहा दिखे अभी. लो चल कर ठाना पड़ता दिखे भाई. बांग मैं खड़ा हूँ जो दिख नहीं रहा. सांझ होगी अभी लो सोन लग रहा. इनके दूध वूध भी कड़ेगा. चल खड़ा हो जा और चारा घेर दे इनके. चल चारा तो लाना पड़ेगा. हाँ तो लेके आओगे बनी. पहले खान को तो दे दो कुछ. अरे खान को जब भी मिलेगा. चल खड़ा होकर पहले चारा गिर इनके. भाई सुबह से भुक्का हूँ मैं, सो गया था आग लग गई थी. अरे भाई पहले चारा लिया, चारे के बाद में तुझे भी चारा दे देंगे. तो भाई चलो कोई बात नहीं, खाना सो कोल्ड चारा मेरे को भी मिल ही जाएगा. पहले इनका इंतजाम कर दे फिर अपना भी कर ही लेंगे. भाई जाने की कुछ सुविधा मिलेगी क्या? लेगी ना साइकिल. साइकिल यार क्या हो गया, साइकिल नहीं मिली.
साइकिल नहीं मिली, लेके चलेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स बताओ कि आप लोगों को वीडियो में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स बता दो। और जल्दी से जितने भी लोग अभी देख रहे हैं सब लाइक कर दो वीडियो को। ज्यादा ही देर के लिए सो गया था, अब शाम हो चुकी है। अरे यार फोन तो कर दो उसे। हेलो, हाँ कौन है? अरे जल्दी आ जा खेत पे। गाइस मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है खेत पे, आप लोग बस थोड़ा वेट करो और आज मिलवा ही दूंगा अपनी गर्लफ्रेंड से कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, आप देखते रहना बस। अभी चलते हैं, 100 स्पीड पे साइकिल भगाते हो जाऊंगा गर्लफ्रेंड से मिलना की। गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए इतना बेथा हो रखा है गाइस, पर रुक जा भैया रुक जा, इतनी तेज तो हमारी स्कूटी भी ना भग रही, और कितनी तेज साइकिल भगा रहा देख सकते हो आप, ये धुपक धुपक के जा रहा है भाई, इसके घर वाले ना देख ले इसलिए धुपक धुपक के जा रहा हूं। मेरी गांव की मोहब्बत थी, जब मैं छोटा सा था तब से गर्लफ्रेंड है मेरी, समझ गया? ओके लेट्स सी कौन है वो। अरे भाई बैठे रहा होगा के, क्यों के कर रहा है? आराम ही करता रहा होगा, तू चैलेंज बना रहा है भाई। पहले मेरी मोहब्बत आ रही है, मैं उससे मिलूंगा फिर कुछ नहीं भाई, पहले काम कर। मैंने आज इन लोगों से वादा करा है कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाऊंगा, पहले काम है भाई, पहले मोहब्बत फिर काम। फिर तेरी भाभी से मिलवाऊंगा बचपन की, रुक जा थोड़ी देर देख ले। हां देख लिए, बात जागी वापसी, बंद कर बंद कर बंद कर। तो ये के जो डाटा मार के आ रही है, अरे आ गई कहां थी तू, इतने टाइम हो गया, मैं तो तेरे दिल में था, छोड़ दे दो को देख लेगा। अरे पागल है तू, कोई देखने ले तभी तो इस वाले खेतों में बुलाई है तू, मिलने आई हूँ तो ऐसे करो मैं आपको कहा था तुम पे नहीं होता हूँ, मैं तो तेरे दिल में था, इतने दिन हो गए तेरे से मिले थे तो क्यों नहीं मिले थे? क्या बताऊँ बस यार, शहर की जिम्मेदारियों ने थका, शहर चले गए, भूल गई मुझे तुझे ना भूलना। मैं गाइस मेरे बचपन का प्यार है जिससे मैं बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ, क्या करूँगा तू तो ना देखे डाली दिक्कत, मतलब तो आप मिलना चाहते हो ना इससे, तो मैं मिलवा देता हूँ आपको, ये मेरे बचपन का प्यार है, मिल लो इससे। ये था मेरा बचपन का प्यार, बे साले तभी से कहते ना बचपन का प्यार है मेरा। सो गाइस पूरे पैसे लिए आया गाइस इस रोल का, 50 रुपए लिए थे मैंने इस रोल के लिए इसको, अब आप बताना कि 50 रुपए वर्थ इट थे या नहीं थे। तो गाइस मेरे को खेत में काम करते करते पूरी रात ही हो गई, और ये वो सारा है, मतलब ये सारी जोक है, जो जोक पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, जो मैंने काट काट के इधर रखी है। पर साहू इतना ग्रेट है कि उसने मतलब शॉट ही नहीं लिया, मतलब ले तो रहा था पर वीडियो ही ऑन नहीं थी, जब मैं ये सारा काम कर रहा था तो उसने वीडियो ही ऑन नहीं रखी, पर कोई नहीं, अब जो इसने कर दिया वो कर दिया। तो ये सारा वो है जो मैंने इकट्ठा करा, अब इसको लेके चलते हैं घेर में और उनको पकड़ा देंगे, और मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, तो सबसे पहले भाई ये पकड़ाते ही मैं जाऊँगा खाना खाने कुछ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा, और अब मेरे को जाते ही खाना खाना है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं सीधा घर पे, घेर पे भी नहीं जाऊँगा मैं, घेर पे भाई अपने आप आके सामान ले जाएगा वो, मेरे बस की नहीं है, मैं सीधा घर जाने वाला हूँ और थोड़ी देर चल के छत वत पर बैठेंगे, बात बात करेंगे आप लोगों से, बहुत ज़्यादा थक चुका मैं। तो गाइस देख लो यहाँ पे ऐसी हालत हो चुकी है, जिस पे बैठा है ना वो इसको बहुत चुभ रहा है पीछे से। सच में भाई अबे धीरे कर धीरे कर, साइकिल तेजी चला पा रहे हम, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ये चलानी बहुत भारी पड़ रही है मेरे को, पर मेरे कोई नहीं यार, बिठा रखा है इसने तो। ओबे ओबे भाई चैलेंज लिया, यहाँ पे इतना ज्यादा अंधेरा हो रखा है, बहुत ज्यादा। तो गाइस मैं तो थक गया था बहुत, मैंने साइकिल इसे दे दी, कैसी लगी साइकिल की सवारी? तुम पागल हो क्या, क्या हुआ? अबे भाई वहाँ पे अंधेरा हो रखा, मैं 2-4 गड्ढों में गिरने गिरने से बचा, मैं सोच रहा तुम पीछे चलोगे थोड़ा लाइट दिखा दोगे, पसीना हो गया इसको बहुत, बहुत दूर से आ रहा है साइकिल वाइकिल चला, बहुत दूर है यार भाई, मैं तो बहुत पता, मैं एक गलत कट पे घुस जाता, मैं सोच रहा यहाँ से पास दिख रहा, मैंने कहा नहीं यार यहाँ तो कभी आया नहीं हूँ मैं, मैंने कहा नहीं सही चल रहा है, घर पहुंच तो गया मैं, तुम गलत हो ना, तुम छोड़ के चले गए, चल कोई बात नहीं, लगाओ इसे यार साइकिल को, मेरी गर्लफ्रेंड गाइस दिक्कत में आ गई थोड़ी, कोई बात नहीं, साइकिल भाई सारा काम कर दिया, खाना तो ला दे भाई, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ठीक है भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, खाना ला दे फटाफट, ठीक है भाई। यहाँ पे ट्रैक्टर भी आ चुका है भाई, अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर छत पे, और अभी मेरा दोस्त खाना वाना लेके आ रहा है, हम इतना थक चुके हैं, इतना थक चुके हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है अब, और पता है 8 बज रहे हैं, और 8 बजे हैं, इतना अंधेरा है कि मतलब क्या बताऊँ, शहर में तो सब हलचल रहती है ना, इधर चलते बुलते रहते हैं, यहाँ तो अभी से इतना अंधेरा हो गया, कोई नहीं दिख रहा, पूरा सुनसान पड़ा है। ये भी बहुत भूखा है, साइकिल चला चला के सारा कुछ निकल गया तेरा भी है। सर तुमने गलत करा भाई। क्या गलत करा, दूर भाग के आ गए हम, चलो ठीक है, जब सब बिजी है खाना वाना खा के मिलते हैं आप लोगों से, रुको थोड़ा वेट करो। गाइस अभी बच चुके हैं रात के 10, खाना वाना खा के हम लोग फिर नीचे बड़ों के साथ भी बैठे थे, मतलब बड़े लोग इन द सेंस के, मतलब बड़े बूढ़ों के साथ, बड़े बूढ़ों के साथ। तो साहू भी मेरे साथ 24 घंटे रहा ही है भाई, तो तेरे को कैसा लगा? मेरे को हाँ यार देख, मैंने पहले मतलब
सच बताऊं तो मैं कई ज्यादा जी चुका हूं, जैसे मतलब आज इन्होंने करा है। अरे जी तो हम भी चुके हैं, मतलब बहुत बहुत टाइम लगा है काफी, 10-15 साल बाद मतलब ऐसे हुआ है, तो मतलब मजा आया, मतलब साइकिल चलाने में सबसे ज्यादा मजा आया मुझे। साइकिल चला के तो मेरे पैर दुख गए भाई, मजा आया लेकिन। तो चले फिर अब। हां भाई नाइट लाइफ नहीं देखनी है, गांव के खेत तो एकदम चल रहे भाई, घूम घाम के आएंगे। साहब बाप भाई, साहब बाप रहते हैं इस टाइम, रात में पागल हो गए। और कल परसों हमारे गांव से भाई, गांव में या तो तुझे भूत चढ़ जाएंगे या फिर कुछ और ही हो जाएगा, यहीं पे सो जा। और भाई अभी तो 10 ही बजे है ना, अभी तो 10 तो बजे हैं, पर गांव में तो यार, गांव का तो यार। और गाइस कल परसों की खबर है, हमारे गांव में एक बंदे को सांप ने काटा, वो ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ। सारे काम इसके गांव में होते हैं, शहर थोड़ी है। अच्छा तो अभी सोना ही ठीक है। हाँ भाई सो जाओ, तू तो मेरे साथ ही सोएगा छत पे। भाई चैलेंज तेरा है, मेरा क्या मतलब, मैं तो अपने एसी में सोऊंगा और क्या है ना भाई। तुम जा रहे हो? ओके भाई सोएंगे हम भाई, तुम सो जाओ। ठीक है भाई जाओ। बज चुके हैं रात के 10:30 बज रहे हैं, और अभी मैं सोच रहा था कि जाके नाइट लाइफ एंजॉय करूंगा। नहीं कर सकते क्योंकि जैसे कि बताया, और यहाँ पर मच्छर बहुत है, तो मुझे ओढ़ने के लिए खेस दिया गया है, पर मुझे लग रहा है तकिया भी मैंने इससे बनाया, पर मुझे लग रहा है तकिया ज़्यादा देर चलेगा क्योंकि यहाँ मच्छर इतने हैं, तो मैं तो भैया इसे ओढ़ के सोने वाला हूँ। तो गाइज मेरे को तो बहुत मज़ा आया, पूरे दिन रह गया, आज बहुत सारी चीज़ें करी, बस मैं थक बहुत गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया, जैसे कहते हैं मतलब शहर। बहुत मज़ा आया रहने के बाद, आप लोग बताओ कि आप लोग कैसा लगा, और यही था आज की वाली वीडियो में। इफ़ यू आर एंजॉयड दिस वीडियो सो मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड जिन लोगों ने अब तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करा सो डू फॉलो मी नाउ इंस्टाग्राम। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय।